गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू स्पीक इस वीक में हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका हम रिवीजन करेंगे. ओके, सो सबसे पहले रिवीजन वर्क में मैं आपके ले रही हूँ चैप्टर नंबर वन. चैप्टर नंबर वन इज़ नोइंग आर नंबर्स. सो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस और हम आज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर नेम लिखने का जो रूल है वो कैसे होता है. सपोज़ ये आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 4634321. सबसे पहले यूज़ ऑफ कॉमास आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिफोर 3 डिजिट आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, देन आफ्टर 2 डिजिट्स. ओके, देन वी विल स्टार्ट काउंटिंग द प्लेस वैल्यूज़ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक एंड 10, 43,000, 201. सो इस तरीके से हमको इसका नंबर नेम लिखना है. इसी तरीके से हम लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर नेम. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो नंबर है वो इस तरीके से है. इसमें सबसे पहले आप 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे, देन बाद में भी आपको 3 डिजिट्स पे ही कॉमा लगाने हैं. इंडियन में आफ्टर 2 डिजिट हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल में 3 डिजिट ही रहता है. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. तो ये जो नंबर है इसका नंबर नेम होगा 3,643,201. ये इसका नंबर नेम है. एक्सरसाइज 1.1 में आपके यही क्वेश्चंस है जिसमें यूज ऑफ कॉमास है एंड नंबर नेम है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज 1.2. इन दिस एक्सरसाइज देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को 2 to 3 times रीड करना है. ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर एक तो हम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3. इन नंबर्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर बनाना है, देन उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे आएगा? इसका ग्रेटेस्ट नंबर हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. 7, 6, 4, 3, 2, ये इसका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा. एंड लीस्ट नंबर कैसे बनेगा? इसी नंबर को, इन्हीं नंबर्स को हमें अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 6 and 7. नाउ वी विल ईजिली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर. डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली आपको सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों नंबर्स का. 2, 3, 4, 6, 7 सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. इट इज़ 12, 5, देन 12 minus 6, 6, 13 minus 4, 9, 5 minus 3, 2 एंड 7 minus 2 is 5. ये आपका आंसर रहेगा. एक और क्वेश्चन अगर हम इसका देखें, क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4th. कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक ऑफ जून में बुक सेल हुई थी 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में जो बुक सोल्ड हुई थी वो है 4,768 बुक्स. हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच द सेल ऑफ द टू वीक्स टुगेदर. टू वीक्स टुगेदर मीन्स टोटल सेल कितनी है, यानी इनका एडिशन करना है. एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और किस वीक में सेल ज़्यादा थी. ये तो हम यहीं से देख के पता लगा सकते हैं. सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा थी, 4 लाख थी, और फर्स्ट वीक में कम थी, ओनली 2 लाख. ये हो गया. अब हम इसका एडिशन कर लेते हैं. इसको
इसको हम ऐड करेंगे 15 कैरी ओवर 1, 16 गेन कैरी ओवर 1, 16, 1, 6, 8 एंड 6, ये है आपका टोटल। इसमें ग्रेटर कौन है इन दोनों में से, सेकेंड वीक का ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है ये देख, सॉरी 4,768,000 में से 2,85,897 को माइनस करना है। बाय हाउ मच ग्रेटर पूछा है इसलिए हम यहाँ माइनस करेंगे। 16 माइनस 9 इज 7, 16 माइनस 8 इज 8, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 8 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, सो इतनी ग्रेटर थी। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन स्टूडेंट्स, इसमें नियरेस्ट टेंस भी हो सकता है, नियरेस्ट 100 भी हो सकता है एंड नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सी है उसमें 12,904 प्लस 2,888 इसका एस्टिमेशन लेना है। एस्टिमेशन बाय जनरल रूल, जनरल रूल में हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे 13,000 में, क्योंकि 12,000 इज क्लोजर देन 13,000 इज क्लोजर देन 12,000। ये जो नंबर है इसमें जो हंड्रेड्स प्लेस है उस पर कौन सा नंबर है, 900 है ना, तो ये किसके ज़्यादा क्लोजर होगा, 13,000 के। और ये जो आपका नंबर है यहाँ आप खुद डिसाइड कीजिए ये 2,000 के नियर है या 3,000 के। ऑफकोर्स इट इज़ क्लोजर टू 3,000 देन 13,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 16,000। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट हंड्रेड अलग अलग बताना है। तो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया, 439 प्लस 334 माइनस 4317। इसमें आपको पहले नियरेस्ट टेन बताना है। नियरेस्ट टेन क्या होगा, नियरेस्ट टेन में आपको टेंस वाली डिजिट को ही देखना है और उसी से रिप्लेस करना है। अगर टेंस वाली डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 है तब तो आंसर में आप क्या करेंगे, उस डिजिट को ज़ीरो करेंगे और प्रीवियस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई नंबर है तब आप उस डिजिट को ज़ीरो करके उसके प्रीवियस डिजिट को प्लस 1 करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं 439 में ये जो नंबर है ये क्या है, 9 है, यानी इस कैटेगरी का है। तो आपको क्या करना है, इस 9 को तो ज़ीरो लिखना है लेकिन ये जो 3 है इसको आप प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 440। एंड जनरली हम देखें तो 439 इज़ क्लोज़र टू 440 नॉट 430। ठीक है, तो इसका आंसर 440 ये हमने साइड में रखा। फिर 334 इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4, यानी ये इस कैटेगरी से हैं तो हम इसको ज़ीरो तो करेंगे लेकिन इसको प्लस 1 नहीं करेंगे, ये 330 ही रहेगा। 440 330। ओके, नेक्स्ट 4317 लास्ट डिजिट क्या है, 7, यानी ये कैटेगरी आ गई, ज़ीरो किया, इसको प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा देन 3। अब बस आपको सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है इन नंबर्स का। तो ये एस्टिमेशन का पूरा टॉपिक है।